हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद्रानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NK ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिंग सीरीज। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का हिंदी वर्ड होता है एकांतर। ओके, तो सपोज आपके पास कोई सीरीज इस तरह से है, U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 एंड सो ऑन। ओके, U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि इस सीरीज में जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनका साइन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चल रहा है। मींस ये जो टर्म्स हैं ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स अल्टरनेटिव साइन के हों, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के टर्म्स हों, ऐसी सीरीज को अल्टरनेटिंग सीरीज कहा जाता है। यहां पर एक चीज देखने वाली है कि ये जो टर्म्स हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव है। मींस U1 अपने आप में पॉजिटिव है, U2 अपने आप में पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव साइन होने का मतलब है कि ये टर्म पूरी नेगेटिव हो गई। U3 न्यूमेरिकल वैल्यू इज पॉजिटिव, टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव। U4 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव है और बाहर साइन नेगेटिव होने का मतलब ये टर्म नेगेटिव हो गई। तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, इस तरह से अगर किसी सीरीज के टर्म्स होते हैं तो उसे अल्टरनेटिंग सीरीज कहा जाता है। किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक लेबनीज टेस्ट है, लेबनीज रूल और लेबनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या है ये? दो बातें होनी चाहिए। पहली बात, सीरीज मस्ट बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी कि हर एक टर्म न्यूमेरिकली अपने से पिछली वाली टर्म से छोटी होनी चाहिए। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN इक्वल टू जीरो, मतलब nth टर्म की इनफाइनाइट पर लिमिट लेने पर वो वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग दी गई सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ओके, तो इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, 1/6 माइनस 2/11 प्लस 3/16 माइनस 4/21 एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। 1/6 और फिर माइनस 2/11, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सीरीज अल्टरनेटिंग है। जनरल टर्म निकालेंगे, न्यूमरेटर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो nth टर्म में न्यूमरेटर में n आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बना रहे हैं, 6, 11, 16, 21। वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। a फर्स्ट टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 एन माइनस 5, दैट इज 5 एन प्लस 1। तो यहां आप लिख देंगे 5 एन प्लस 1, और क्योंकि साइन पॉजिटिव नेगेटिव है अल्टरनेटिंग ऑर्डर में तो बाहर आपको लिखना पड़ेगा -1 टू द पावर n प्लस 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है,
First term is positive, so minus 1 to the power n plus 1 n upon 5n plus 1. अब अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकली मॉड ऑफ यू एन इज इक्वल टू एन अपॉन 5n प्लस 1, और इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू एन प्लस 1, तो 5n प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 5n प्लस 6. नाउ हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया n प्लस 1th टर्म में से nth टर्म को माइनस किया तो हमें मिल गया n प्लस 1 अपॉन 5n प्लस 6 माइनस n अपॉन 5n प्लस 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस n प्लस 1 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 6n अपॉन 5n प्लस 6 इंटू 5n प्लस 1. ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलता है 5n प्लस n 6n माइनस 6n, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 5n प्लस 6 इंटू 5n प्लस 1. एक बार इसको दोबारा देखना होगा. तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो डिफरेंस आया है ये पॉजिटिव डिफरेंस आया है. ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नीचे 5n प्लस 6, 5n प्लस 1, n, n क्या है, नेचुरल नंबर है. तो ये डिफरेंस पूरी तरह से पॉजिटिव आ गया. मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि यू एन प्लस 1 माइनस यू एन इज पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो. सो यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन यू एन, यानी कि n प्लस 1th टर्म बड़ा है nth टर्म से. ओके, n प्लस 1th टर्म nth टर्म से बड़ा है, अगला टर्म पिछले टर्म से बड़ा है. तो क्या ये सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुई या इंक्रीजिंग? ये इंक्रीजिंग सीरीज है, जबकि लेबनीज रूल क्या कहता है, सीरीज मस्ट बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. तो लेबनीज रूल का पहला पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती. अगर हम सेकेंड पॉइंट की भी बात करें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो, तो देखें उससे हमें क्या मिलता है. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन 5n प्लस 1 n अपॉन n, कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, n से n कैंसिल होगा. तो जब आप यहां पर n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, और आपको मिलेगा 1 अपॉन 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. होना क्या चाहिए था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन इक्वल टू 0. तो लेबनीज टेस्ट के दोनों जो पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के लिए डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए यह सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी. देयरफोर सीरीज इज डी, डी मीन्स डाइवर्जेंट. फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, यू एन इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. सो हियर यू एन इज इक्वल टू, मैंने यहां मॉड लगा लिया है, इट मीन्स मैं इसके नेगेटिव पॉजिटिव जो ऑल्टरनेटिंग साइन है उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मुझे केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करनी है. सो मॉड ऑफ यू एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और अगला टर्म क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2. सो हमने इनको माइनस किया, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर
प्लस एन प्लस वन माइनस एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू इंटू एन स्क्वायर प्लस वन। तो एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर दिस इज माइनस एन स्क्वायर, एन माइनस टू एन दिस इज माइनस एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू इंटू एन स्क्वायर प्लस वन। सो क्लियरली आप देख सकते हैं नीचे वाली टर्म तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर जब न्यूमरेटर में आप एन की वैल्यू सपोज आपने वन भी पुट की अगर, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा और यहां नेगेटिव क्वांटिटी बचेगी। वन से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे टू थ्री फोर तो न्यूमरेटर आपको पूरी तरह से नेगेटिव ही मिलेगा। इट मींस यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन। कैसी सीरीज है ये? डिक्रीजिंग सीरीज है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज है। तो लेबनीज टेस्ट का पहला जो रूल है, पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। ऑल्सो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। तो डिनोमिनेटर में आप एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, एन टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे वन अपॉन इनफाइनाइट दैट इज जीरो। देयरफोर बाय लेबनीज रूल सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल का nth टर्म बहुत ही ऑर्डिनरी बहुत ही सिंपल सा है। यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, यू एन प्लस वन निकालेंगे तो वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। और आपको पता है बहुत इजीली आपको ये चीज दिखाई दे रही है, वन से छोटा होता है हाफ, हाफ से छोटा होता है वन बाय थ्री, उससे छोटा वन बाय फोर, यानी कि ये सीरीज ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रही है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सीरीज की मोनोटोनिसिटी देखते टाइम, यानी कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चीज देखते टाइम, आपको ये माइनस साइन कंसिडर नहीं करने होते, आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करनी है, वन हाफ वन बाय थ्री वन बाय फोर एंड सो ऑन। तो ये सीरीज कैसी है? डिक्रीजिंग है। दूसरी चीज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एन दैट इज जीरो, वन बाय इनफाइनाइट जीरो होता है। तो लेबनीज टेस्ट का सेकंड पॉइंट भी यहां सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये कैसी सीरीज है? कन्वर्जेंट। देयरफोर सीरीज इज कन्वर्जेंट।